ये एक सच्ची कहानी है राजस्थान के गोल्डन शहर जैसलमेर में वीरान पड़े कुलधरा गांव की, जहां दिन में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, पर रात होते ही आत्माएं तांडव करने लगती हैं। और इन्हीं आत्माओं से मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड था पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और मशहूर हॉरर टीवी शो पर्सनालिटी गौरव तिवारी। सुबह का वक्त था। गौरव और उसकी टीम कुलधरा गांव में रात बिताने के लिए निकल पड़े। टीम के अलावा गौरव के साथ और कुछ लोग भी शामिल हुए और कुलधरा के लिए एक रहस्यमय सफर शुरू हो गया। सब सफर करके कुलधरा पहुंच गए। गौरव ने बोर्ड पढ़ा कुलधरा, फिर उसने अपनी नजर चारों ओर घुमाई तो देखा कि पूरा गांव वीरान खंडहर जैसा लग रहा था। टूटी हुई इमारतें और दूर दूर तक सूखी जमीन, मानो जैसे किसी ने एक हंसते खेलते गांव को श्राप दे दिया हो। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी कुलधरा को मानो किसी रेगिस्तान में बदल रही थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तमाम लोग गौरव के साथ कुलधरा गांव में रात बिताने के लिए एक खंडहर नुमा जगह में रुक गए। सब बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि ऐसी रूह कपकपाती सूनी रात में नींद किसे आने वाली थी। तभी एक शख्स ने कुलधरा की कहानी के बारे में बताना शुरू किया। वो कुलधरा गांव के पास ही रहता था और ये कहानी काफी बार सुन चुका था। उसने गौरव और उसकी टीम को अचंभित होके देखा और मजाकिया लहजे में बोला, अरे साहब, आप भी ये क्या अजीब से हथियार लेके भूतों को ढूंढने आ गए हो? भगवान कसम, हमें तो ये देख के हंसी आ रही है। आत्माओं से भी कोई बातें कर सकता है भला? इस बात पर गौरव को गुस्सा आ गया और वो उस आदमी पे चीख पड़ा, शट अप, ये कोई हथियार नहीं, पैरानॉर्मल डिवाइस है जिससे नेगेटिव शक्तियों या आत्माओं का पता चलता है। तुम क्या जानो इसके बारे में, गांव के गवार? ये बात गांव के उस शख्स को बुरी लग गई। उसने गौरव की आंखों में आंखें डाल के बड़े ही विश्वास से कहा, साहब, हम गांव के गवार जरूर है, आपके जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन हम आपकी तरह भ्रम में नहीं जीते। कई जागरूक लोगों को यहाँ आके अंधविश्वासी बन के जाते हुए देखा है, देखना अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। गौरव चिढ़कर उससे दूर होते हुए बोला, बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा अंधविश्वास। भूत भूत कुछ नहीं होता, शक्तियाँ होती हैं। मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं जानता हूँ। उस आदमी ने गौरव से पूछा, साहब, मैं जो जानता हूँ शायद आप नहीं जानते। क्या आपको पता है कुलधारा इतना सूखा और वीरान क्यों है? गौरव ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम है और जो बचा है वो स्टेंजेड वाटर है, वो पीने लायक नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी हंस पड़ा और फिर डरावनी आवाज में कुलधारा का इतिहास बताने लगा। इसके पीछे वो राज है जो आप नहीं जानते। ये 13वीं सदी की बात है। तब कुलधरा एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण बड़े सुसज्ज थे और उनके आने से कुलधरा में जिंदगी लहलहा उठी थी। इसी बीच वहां के दीवान सलाम सिंह की नजर
ब्राह्मणों की एक लड़की पर पड़ी जो बला की खूबसूरत थी। उसे देख सलाम सिंह उसके लिए पागल होने लगा और उसने ब्राह्मणों से उस लड़की को अपने हवाले करने को कहा, लेकिन ब्राह्मणों को ये कतई मंजूर नहीं था तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सलाम सिंह को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने सैनिकों को उस लड़की को लाने के लिए कहा। सैनिक जबरदस्ती लड़की को ले जाने के लिए गए, मगर ब्राह्मणों ने सैनिकों को दूसरे दिन आने को कहा। ब्राह्मण बड़े होशियार थे और गांव में सब उनकी बड़ी इज्जत भी करते थे, इसीलिए सैनिक उनके कहने पे वहां से चले गए। मगर अब ब्राह्मण दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की खातिर रातों रात गांव छोड़ दिया। वो बस जरूरी सामान अपने साथ ले गए, मगर जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दे दिया कि कुलधरा कभी आबाद नहीं होगा और जो कोई भी बसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। गांव के उस आदमी ने इतनी कहानी सुनाई ही थी कि गौरव और उसकी टीम को रात के सन्नाटे में कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। गौरव ने अपना डिवाइस निकाला। रात के अंधेरे में सब कुछ बड़ा डरावना था। गौरव ने डिवाइस की बढ़ती हुई रीडिंग की दिशा में जाके कहा, हेलो, कोई है? अगर यहाँ कोई शक्ति है तो प्लीज डिवाइस की एक लाइट चला दो। गौरव के इतना कहने की देर थी कि डिवाइस में एक लाइट चली। गौरव ने फिर कहा, आप कौन हैं और यहाँ कितने समय से हैं? क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? इस बार कोई जवाब नहीं आया। देखते ही देखते रात के हालात बदलने लगे और खामोश सी रात जैसे गुस्से से जिंदा हो गई। तेज हवा चलने लगी। गौरव और उसके साथ मौजूद पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट्स को कुछ साए भी चलते दिखाई दिए। वहां अजीब आवाजें बढ़ने लगी और तो और 5-5 मिनट की दूरी पे तापमान में बदलाव आने लगा। गौरव ने उस आत्मा से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? अगर हाँ तो डिवाइस की तीनों लाइट जला दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। डिवाइस में फौरन 3 लाइट्स जल गईं और गौरव और उसकी टीम ने कुलधरा छोड़ दिया। इस शो को मीडिया में काफी कवरेज मिली और गौरव को तारीफें। दिन बीतते गए और बदलते दिनों के साथ साथ गौरव का मिजाज भी बदलने लगा। एक दिन गौरव अपनी पत्नी के साथ बैठा था कि अचानक उसने कहा, मुझे नेगेटिव शक्तियां मरने पे मजबूर कर रही हैं। इस पर उसकी पत्नी हंस पड़ी और बोली कि मजाक बंद करो। उसकी पत्नी को लगा कि काम के तनाव की वजह से शायद गौरव ऐसा कह रहा है, मगर गौरव को सच में कोई परेशान कर रहा था और वो शायद कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थीं। गौरव एक दिन बाथरूम में नहाने गया, लेकिन काफी देर तक वो बाहर ही नहीं आया। उसकी पत्नी ने उसे आवाज लगाई तो कोई भी जवाब नहीं मिला। गौरव की पत्नी ने फौरन गौरव के घर वालों को बुलाया और घर वालों ने मिलके दरवाजा तोड़ दिया और टूटे दरवाजे के पीछे जो था
उसे देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। गौरव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, वो बेजान हो चुका था। आखिर कैसे गौरव की मौत हुई और क्या सच में मायावी आत्माओं ने उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया था, या फिर गौरव किसी मानसिक बीमारी का शिकार था? लेकिन आत्माओं से बात करने वाला एक प्रोफेशनल इतना कमजोर दिल तो नहीं हो सकता। पूरे मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन गौरव जैसे सफल इंसान ने खुदकुशी क्यों की, ये आज भी एक रहस्य है। और ये बात भी एक पहेली बन गई कि कुलधरा की आत्माओं का क्या इसके पीछे कोई हाथ था? और अगर हाँ, तो क्या सच में उन आत्माओं ने गौरव की जान ली, वो भी कुलधरा से लौटने के 6 साल बाद? आपकी इस घटना पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी अगली रहस्यमय हॉरर स्टोरी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।